दोस्तों पता है कि सुपरमैन यानी डीसी का सुपरमैन वो भी थॉर के म्यूनिर को लिफ्ट कर चुका है। जी हाँ, एक बार मार्वल और डीसी दोनों यूनिवर्स के बीच एक घमासान क्रॉसओवर हुई थी और तब उस मार्वल डीसी के क्रॉसओवर के क्लाइमैक्स में थॉर ने म्यूनिर को सुपरमैन की तरफ फेंका था जिससे कि सुपरमैन म्यूनिर का इस्तेमाल कर सके और सुपरमैन ने एक हाथ में म्यूनिर और दूसरे हाथ में कैप्टन के शील्ड को लेके अपना जलवा दिखाया था और खतरे को टाला था। हाँ, पता है कि आप में से काफी लोग ऑब्वियस होंगे कि सुपरमैन तो एक काफी अच्छा बंदा है तो शायद वो उड़ती होगा, मगर देन क्लाइमेक्स के बाद एक इंटरेस्टिंग चीज ये होती है कि जब आखिर में सुपरमैन जब कैजुअली म्यूनिर को उठा के थॉर को वापस देने की कोशिश करता है तब सुपरमैन म्यूनिर को उठा नहीं पाता। अब इसका रीजन दो हो सकता है, एक थॉर चाहता था कि सुपरमैन म्यूनिर को उठा इसलिए उठा पाया था और दूसरा सुपरमैन म्यूनिर को उठा इसलिए पाया था क्योंकि तब उसे म्यूनिर की जरूरत थी। आपको कौन सा लगता है कमेंट करो।